ये अनरोलिंग ऑफ कारपेट का प्रॉब्लम है, जेई में पास में बहुत सिंपल फॉर्म में आया है, ज़्यादा मुश्किल फॉर्म में नहीं था। मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा, जिसमें अगर ये डिस्टेंस एक्स हम लें जो चल रहा है कारपेट, वो डी एक्स अपॉन डी टी का क्या रिलेशनशिप आएगा। मैं इंटीग्रेट फाइनली नहीं करूँगा क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल इक्वेशन आएगा, लेकिन एटलीस्ट डी एक्स अपॉन डी टी का रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं। इसमें आप देखिए जो कुछ चीज़ें हैं, इनिशियल मास m है, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे रेडियस r है और यहाँ पे r है। तो आपको मास और m का रिलेशनशिप r और r में निकाल सकते हैं, और r का रिलेशनशिप m और m में एक ही बात है, वैसे वर्षा। तो वो निकालने के लिए, क्योंकि हम कारपेट का डेंसिटी कांस्टेंट मानते हैं, तो मास पर यूनिट लेंथ, अगर कारपेट का ये जो स्ट्रिप है कारपेट की वो मास पर यूनिट लैम्डा है, तो पूरी स्ट्रिप जब पूरी अंदर थी, इस कारपेट का पूरा लेंथ एल है, तो मास हो गया लैम्डा एल, तो स्मॉल एल हो गया लैम्डा। अभी इसके अंदर जो स्ट्रिप है वो है एल माइनस एक्स, तो इसको सॉल्व करके आपका रिलेशनशिप आया एम इज इक्वल टू एम वन माइनस एक्स अपॉन एल। दूसरा रिलेशनशिप आपको रेडियस का निकालना है, वो निकालने के लिए आप डेंसिटी का कंसेप्ट यूज़ कीजिए। इसकी डेंसिटी तो कांस्टेंट है, इस मटेरियल की स्ट्रेच भी नहीं हो रहा है, तो डेंसिटी कितनी है, इनिशियल मास m है और वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर, और ये विड्थ तो w रहेगी, चेंज नहीं होगी w, ये इक्वल टू होगी m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू w। इससे आपका रिलेशनशिप आएगा r इज इक्वल टू r अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन एल। तो r का रिलेशनशिप भी आ गया, m का रिलेशनशिप भी आ गया। अब हमें नेक्स्ट चीज जो इसमें कंसिडर करनी है, एनर्जी कंजर्वेशन। वैसे एक्चुअली में जब कारपेट अनरोल करता है तो एनर्जी कुछ डिसिपेट होती है, मगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि एनर्जी इसका कांस्टेंट है, और ये एज्यूम करते हैं कि इनिशियली हमने इसको बहुत ही छोटा सा वेलोसिटी दिया, जिससे कि इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की आई है जो कि कांस्टेंट है। हम के आई जीरो भी मान सकते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि बहुत ही हल्का सा पुश दिया या ये अनरोल शुरू कर देता है जीरो वेलोसिटी से, वो हम बाद में डिपेंड करता है, के आई की वैल्यू जीरो भी रख सकते हैं, पर इनिशियली सपोज के आई है। यहाँ पे एनर्जी इसका इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी के एफ है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपका होगा सेंटर ऑफ मास का हाइट कितना है आर, मास एम है एम जी आर, और पोटेंशियल एनर्जी जो आपका फाइनल है वो है एम जी आर। सो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी फॉल हुआ वो हुआ एम जी आर माइनस एम जी आर, या इसको हम जब फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एम जी आर वन माइनस एम अपॉन एम आर अपॉन आर, जो कि हुआ एम जी आर वन माइनस एक्स अपॉन एल रेज टू पावर थ्री अपॉन टू। ये आपका फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, जो कि होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो डेल्टा के ई कितना है, के ई फाइनल माइनस के इनिशियल, ये काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ की के टर्म्स में। के फाइनल कितना होगा आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक एजम्पशन करना पड़ेगा, आप अगर केयरफुली देखें जो कारपेट है वो जब ये मूव कर रहा है और यहाँ पे आया, तो जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी प्योरली हॉरिजॉन्टल नहीं है, सेंटर ऑफ मास आप देखिए ये फॉल कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट vy भी है, तो v आपको इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा।
टेक्निकली स्पीकिंग वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आप नहीं लिख सकते विदाउट अज्यूमिंग कि वी वाई आपका नेग्लेजिबल है, जो कि नहीं है। मगर अगर मैं वी वाई का वैल्यू भी लूं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आएगा। तो ये इग्नोर करके ही आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख पाएंगे। अगर ये इग्नोर नहीं करते हैं तो आपको एक इक्वेशन और लिखना पड़ेगा, ये एंगल आप अल्फा लिखिए, और टेन अल्फा का वैल्यू होगा, आप इस ट्रायंगल को अगर देखिए, ये dx हो गया इस डायरेक्शन में, इधर dx मूव करेगा, ये dx है सेंटर ऑफ मास का और dr वर्टिकल है, ये dr है और ये है अल्फा। तो टेन अल्फा का वैल्यू होगा dr अपॉन dx, जो कि आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, dr अपॉन dx, टेन अल्फा आएगा। टेन अल्फा के बाद ये आपका v है और ये आपका vx है, vx का वैल्यू होगा v cos अल्फा। और जो ये लिखते हैं आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कायदे में ये सिर्फ एजम्पशन से लिख सकते हैं, एक्चुअली में लिखना पड़ेगा vx इज इक्वल टू आर ओमेगा या v cos अल्फा इज इक्वल टू आर ओमेगा, या ओमेगा की वैल्यू है v cos अल्फा अपॉन r। तो ये अगर आप मेथड लेंगे तो इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आएगा, वो हम नहीं करना चाह रहे हैं इस लेवल पे। तो हमने अज्यूम कर लिया कि वी वाई नेग्लिजिबल है, उसके बाद इक्वेशन में उतने कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं। उसके बाद जो इक्वेशन आती है वो मैं लिख देता हूँ, आप लिख सकते हैं। उसके बाद हाफ आई की वैल्यू है एम आर स्क्वायर अपॉन टू, ओमेगा की वैल्यू है वी एजम्पशन के बाद वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये आएगा आपका 3 upon 4 राइट एम वी स्क्वायर, ये आपका आया काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। अब v क्या है, v हमने अप्रोक्सीमेटली वी एक्स माना है, जो कि डी एक्स अपॉन डी टी है। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 upon 4, m का वैल्यू आप कैपिटल m के टर्म्स में लिखिए, m 1 minus x upon l इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और इसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे। ये तो था आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करके आप गेन इन ये फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, जो कि एम जी आर वन माइनस एक्स अपॉन एल रेज टू पावर 3 upon 2। सो इससे आपको डी एक्स अपॉन डी टी का रिलेशनशिप मिल गया, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन जो है इट्स बियॉन्ड आर स्कोप। तो इसको करने का मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं यहीं तक डिराइव कर रहा हूँ कि डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू अगर निकालना हो रिलेशनशिप, वो भी विद एजम्पशन, ये भी करेक्ट नहीं है। इसमें ये एजम्पशन लिया है कि वी वाई नहीं है, वी वाई लेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप आएगा, लेकिन ये भी सिलेबस से बाहर है। जेई के सिलेबस में यहाँ तक आपका रिलेवेंट है फॉल इन काइनेटिक एनर्जी, फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी में आपको रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों लेना होगा, और बी वाई भी वहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि नहीं है।